तो दोस्तों इस वीडियो पे आए हो तो कुछ जानबूझ के भी आए होंगे। तो इस वीडियो पे जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात है कि यार हम डीएड कर लें या बीएड कर लें, बहुत ही डिफरेंट इसमें जानना हमें है। तो बीएड और डीएड में डिफरेंट मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं टीचर की भर्ती देख रहा था तो टीचर की भर्ती में एक सर्टिफिकेट लग रहा था जहाँ या तो आपके पास डीएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, तो दोनों दो में से एक होना चाहिए। तो उसी के ऊपर मैं बात करूँगा अभी, उसकी वजह से आपको कर लेना चाहिए इसके बाद, तो डीएड और बीएड में डिफरेंट बताऊँगा। तो मेरा नाम प्रवीण पनिका है और फिर से एक नए वीडियो में आप हैं। तो चलिए आज का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते। चलिए हम मिलते हैं। तो यार जब बीएड और डीएड में, आई होप कि आपने लाइक और रेड का बटन प्रेस कर लिया होगा। बीएड और डीएड में बता दूं डिफरेंट, बीएड जो हमारी होती है वो एक हाई एजुकेशन होती है, और जबकि डीएड होती है एक लो एजुकेशन होती है। रही बात दोनों की डिफरेंट की, तो दोनों यार 2 ही साल के होते हैं। और रही बात है डीएड और बीएड में, तो डीएड आपको नर्सिंग लेवल यानी कि 1 से 10वीं या फिर 8वीं तक आप पढ़ा सकते हो, जबकि आप बीएड कर रहे होगे तो हाई एजुकेशन पढ़ा सकते हो, जैसे कि 12वीं भी पढ़ा सकते हो, ठीक है, 1 से 12वीं तक। तो दोनों में डिफरेंट यही है कि आप बीएड करोगे तो बेस्ट रहेगा, पैसे इसमें लगेंगे। और मेरे साथ ऐसे हुआ कि मिस्टेक हुआ बाय दफ़ा, बट मैं बता दूं कि बीएड करने में आपको ये एक फ़ायदा है कि आप हायर सेकेंडरी जो हाई लेवल की स्कूल होती है वो स्कूल में आप पढ़ा सकते हो, और डीएड करने में आप नर्सरी के बच्चे पढ़ा सकते हो, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए होता है डीएड। डीएड आप 12वीं अवध की ये रहती है कि हम कब कर सकते हैं, तो डीएड बहुत से अभी कॉलेज, जैसे मेरे ही कॉलेज की बात की जाए तो उसमें बीए बीएड साथ में होता था, बीए बीएससी बीएससी बीएड साथ में होता था, बट बहुत से ऐसे जगह हैं जो अलग से बीएड कराए जाते हैं, तो अलग से बीएड 2 साल में होगा, जबकि उसमें हमारे साथ उसमें ऐसा था बीए बीएड या बीए बीएससी साथ में तो 4 साल का हो जाता था। जबकि डीएड आप करेंगे तो डीएड के लिए आप 12वीं के बाद डीएड कर सकते हो, मगर आप बीएड करेंगे तो बीएड आपको ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीएड करना होगा। तो आई होप कि इस वीडियो पे आपको कुछ अच्छी सी जानकारी मिली हो, तो मिली हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को यार शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन बस प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसे ही ताज़ा अपडेट लाइक का बटन करे रहेंगे। सब्सक्राइब कर लेने यार तो नई अपडेट मिलेगा, वरना वीडियो नहीं बनाऊँगा, जो कमेंट था वो कमेंट नहीं देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कितना परसेंट लगा और आप क्या करने वाले हो ये तो अवश्य लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, तभी वीडियो बनेगा, ठीक है। ओके बाय।